नमस्कार, मैं एकता। आज दिवाली है, दिवाली का त्योहार हम अपने घर पे सुरक्षित मना रहे, अपने परिवार के साथ मना रहे। क्यों? क्योंकि इसके पीछे आज हम सुरक्षित हैं अपने घर में, तो उसके पीछे हमारे तैनात जवानों का हाथ है, जो सरहद पे हर त्योहार से दूर, परिवार से दूर मौजूद होके हमारी सुरक्षा में तत्पर खड़े रहते हैं। आज एक दिया शहीदों के नाम जलाया जा रहा है, ये दिया जलाया जा रहा है प्रसपा के एक नेता द्वारा, जिन्होंने हमेशा शहीदों को और जवानों को आगे रखा हुआ है। ये सैन्य प्रकोष्ठ अध्यक्ष इंजीनियर अजय कुमार जी हैं, जिन्होंने जो कैंट प्रत्याशी भी हैं, लेकिन वो हमेशा जब राजनीति में नहीं थे तब भी शहीदों को आगे लेकर चलते, तो आज भी राजनीति में आ भी गए हैं तब भी कभी भी उन्होंने इससे मुख नहीं मोड़ा, हमेशा शहीदों को और जवानों को आगे रखते हैं। क्या कहना है और ये जो कार्यक्रम है इसके पीछे क्या है, आइए जानते हैं उनसे। और आपको सबसे पहले दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, और आज ये आपने कहा है कि एक दिया शहीदों के नाम, क्या कहना चाहिए इस पर? सबसे पहले मैं देशवासियों, प्रदेशवासियों और स्थानीय नागरिकों को और आपके, आप लोगों को मैं दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं। आज हम लोग अपने घरों में दिवाली मना रहे हैं और घर में दिया जला रहे हैं, लेकिन हम सुरक्षित किन की वजह से हैं? जो हमारे सैनिक बॉर्डर पे हैं, जो हमारे लोग शहीद हो गए हैं, तो यहाँ पे आके अगर हम लोग दिवाली मना रहे हैं, चैन से दिवाली मना रहे हैं, तो हमें एक श्रद्धांजलि देनी चाहिए। जो हमारे देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए, उसी कड़ी में हम लोग हर वर्ष यहाँ पे आते हैं और शहीदों के नाम पे एक दिया जलाते हैं, जिससे कि उनके एक अच्छी एक श्रद्धांजलि उनके लिए हो जाती है और उनको हम याद करते हैं। उसके बाद घर जाके हम पूजा करके दिया जलाते हैं। सर, आप एक नौसेना अधिकारी रहे हैं पूर्व, लेकिन कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या कहना चाहेंगे? जब सारी फैमिली इकट्ठा होकर त्योहार मनाती है, लेकिन हमारे सैनिक बॉर्डर पर रहते हैं, वो सबसे दूर रहते हैं। ऐसा बहुत बार हुआ हमारे साथ कि हम अकेले वहाँ पे त्योहार मना रहे होते हैं और हमारे घर वाले यहाँ पे मनाते हैं, हम लोग बॉर्डर में मनाते हैं, लेकिन वहाँ पे भी हम लोग जाति धर्म इससे अलग हटके जितने हम लोग हैं, उस दिन हमारे मेस में बड़ा खाना बनता है, स्पेशल खाना बनता है जिसे हम बड़ा खाना कहते हैं, हम लोग सब मिल के खाते हैं, सब मिल के वहाँ त्योहार मनाते हैं, और जो हमारे साथी हैं वही हमारा एक परिवार होता है, तो हमें घर की कमी नहीं खलती। और जो लोग बॉर्डर पे तैनात हैं वो रखवाली करते रहते हैं, जो बैक में हैं वो त्योहार मनाते हैं, और उन लोगों के लिए भी मिठाइयां भिजवाई जाती हैं, उनके लिए भी बड़ा खाना होता है जब वो अपनी मेस में खाना खाने आते हैं। तो बहुत लंबे समय से आप जब नेता नगरी में नहीं भी थे तब भी आप यहाँ पर आके दिया जलाते थे, तो आज भी आप ये परंपरा कायम रखी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। अगर हम सैनिकों का सम्मान करते हैं, अगर हम श्रद्धांजलि देते हैं हमारे शहीदों को, तो वो तो हर देशवासी को करना चाहिए। तो ये आज हम लोग इसलिए करते हैं कि हमारे आज दो छोटे छोटे बच्चे बच्चियां भी आई और वो भी हर साल आती हैं, तो एक उससे क्या होता है कि लोगों के अंदर ये बात आती है, देशभक्ति की भावना आती है कि कुछ लोग कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए। और हम लोग इसलिए करते हैं कि लोग एक सूत्र में बंधे, देश को बचाने के लिए जाति धर्म से दूर हट के कार्य किए जाएं, और इसको हमको राजनीति में नहीं खींचना चाहिए। ये एक आस्था का विषय है, ये हमारी सेना का विषय है, ये हमारे शहीदों की बात है, तो ये राजनीति से दूर होना चाहिए और पूरे सारे देशवासियों को इस तरह के त्योहार मनाने चाहिए। फिर कहीं ना कहीं अब त्योहार है तो बहुत से नेता लोग भूल गए हैं, राम मंदिर पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं और जहाँ सैनिकों को या फिर जो जवान नहीं रहे हैं उनके बारे में कम सोच रहे हैं, इस बार दिवाली पे ऐसा कुछ आया सामने? देखिए, क्या होता है कि सबकी सोच अलग अलग है, कौन क्या करता है, उसी जज्बे को आगे बढ़ाने के लिए हम इस तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं। और जो राजनीतिक लोग हैं जिनको देश से मतलब नहीं, जो जाति धर्म के नाम पे हमको लड़वाते हैं, जो हमें कहते हैं कि तुम पूरब के हो, तुम पश्चिम के हो, तुम उत्तर के हो, तुम दक्षिण के हो, तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तो वो तो हमेशा ये काम करते रहेंगे, तो उनसे हमें कुछ नहीं लेना देना नहीं है, उनका वो राजनीतिक सोच है और हमारी देशभक्ति की सोच है, हम उसी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। सैनिक को आगे लेकर चलेंगे, सैनिकों की उनकी सोच को आगे लेकर चलेंगे। मैंने तो सैनिकों के लिए बहुत सारी मांगे रखी हैं। आज बड़े दुख के साथ मेरे को कहना पड़ता है कि हमारे विधानसभा और विधान परिषद में एक भी पूर्व सैनिक नहीं है, जबकि
हिंदू और मुस्लिम के बाद सबसे बड़ी जनसंख्या पूर्व सैनिकों की है, और राज्यसभा में 272 एंग्लो इंडियन पूरे हिंदुस्तान में है, तब भी उन लोगों के लिए 2 सीटें हैं, लेकिन हमारे राज्यसभा में विधान परिषद में एक भी सीट मनोनीत राज्यसभा मेंबर नहीं जाते। और इस तरह के मैंने कई सारी मांगे रखी हैं और प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी है, लेकिन उन पर कोई सुनवाई नहीं होती। केवल जवानों के नाम पे, सैनिकों के नाम पे राजनीति की जाती है, उनके लिए किया कुछ नहीं जाता है, केवल दिखावा किया जाता है। सर क्या कहना है, सहमत है सर से इस बारे में? 100% कि राजनीति होती है, काम नहीं होता। नहीं, मैं तो कहीं कहीं जो चीजें हैं, राजनीति तो अपनी जगह है, लेकिन सैनिकों का जो सम्मान है वो होना चाहिए, किसी भी लेवल पर होना चाहिए हमेशा। इसी देश से हम लोग यहाँ आते हैं, अपने पुराने साथियों को याद करते हैं जो हमारे साथ नहीं रहे, और आगे जो नई जनरेशन है, जैसे मेरे परिवार में है सभी लोग फौजी हैं, बहुएं तक मेरी फौजी हैं, तो अगर इस तरह का प्रोग्राम करते हैं तो जैसे दो बच्चियां देख लीजिए सामने खड़ी हैं, इसी से प्रेरणा इनको मिलती है, और हम उम्मीद करते हैं कि फौज में अफसर बन के आएँ, अपना कर्तव्य निभाएं, यही सोच के हम लोग हमेशा आते हैं कि समाज में एक अच्छा संदेश है। बस एक दिया शहीदों के नाम अपने जलाए, तो क्या सोच के जलाए? जिसके पीछे प्योरली अपने पुराने दोस्तों को याद करना जो हमारे बीच में नहीं रहे, या हमारे सीनियर जो शहीद हो गए उनको याद करना, नमन करना, और बस यही है और कुछ नहीं। एक संदेश देना समाज में कि भैया फौजियों का भी सम्मान करिए, फौजियों के लिए कुछ सोचिए, बस और कुछ। क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? ये कार्यक्रम तो बहुत ही हमें अच्छा लगा, हमने इसमें हिस्सा लिया और हम अपने आप को भाग। दिवाली है, दिवाली पे आप लोग अपना घर परिवार जला लाकर आप एक दिया शहीदों के नाम जलाया है आपने, तो क्या सोच के जलाया? हमने ये सोच के जलाया कि हमारे जो सैनिक जो बॉर्डर पे थे, जो शहीद हो गए, और उनके नाम का हमने दिया जलाया, ना कि हमने आतिशबाजी करके अपना उत्साह दिखा करके ये अपने को साबित किया कि हमने उनको ना सम्मान दे करके हमने अपना समय फिजूल में खर्च करके लोगों को अपमानित करके और शोर शराबा करके ये सब हम लोगों ने मनाया, इस तरीके से दिवाली मनाई। दिवाली हम लोगों को इसी तरीके से मनानी चाहिए, शहीदों को नमन करते हुए, उनको याद करते हुए, और उनको याद हमें रखना चाहिए हमेशा। हम जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि अगर हम सुरक्षित हैं तो शहीदों के वजह से, कहीं जिन्होंने बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जान दे दी हमारी सुरक्षा के लिए, आज वो शहीद हैं, हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनको याद हमें रखना है, उनका उतना ही सम्मान करना है। अगर वो अपने परिवार से दूर होकर अपनी देश की रक्षा कर रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं, तो एक दिया हम उनके नाम से जला सकते हैं, जिससे उनके परिवार के लिए भी एक सम्मान है कि उन्होंने अपना बेटा, अपना परिवार का एक अभिन्न अंग कह सकते हैं, एक हिस्सा कह सकते हैं, जिन्होंने हमें दिया। इसी के साथ मैं एक आपसे जानना चाहूंगी, नमस्कार।